पर लोकतंत्र तो कहीं का ही खत्म हो चुका है। जब से ये सरकार आई है तब का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज हम एक शद्म लोकतंत्र में रह रहे हैं। ये सब जो कुछ भी है एक ढकोसला है। हमारा कोई लोकतंत्र है ही नहीं। 26 जनवरी का आप देख लो, ये एपिसोड देख लो, और जो आप कह रहे हो शाहीन बाग का क्यों पथराव होते हैं और क्यों सिंघू बॉर्डर पर पथराव हुआ, क्यों यहाँ पे गुंडे आए, सर अर्नब गोस्वामी है कहाँ अभी, पिछले कुछ दिनों से भागा क्यों फिर रहा है। अर्नब गोस्वामी को सभी को कहना चाहूँगा कि गूगल पे जाइए, सर्च करिए अर्नब गोस्वामी चैट्स पीडीएफ, ठीक है, आपके पास 80 MB की एक फाइल आपको मिलेगी, आप फ्री टाइम में आप उसको पढ़ोगे। इंडिया इज इन ए डेंजरस पोजिशन एंड सिंस 6 ईयर्स इंडिया इज इन ए डेंजरस पोजिशन, पीपल आर ओब्लिवियस, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो सिर्फ हरी पगड़ियां लगाते हैं और दिखाते हैं कि हम किसानों की तहसी हैं। चौधरी देवीलाल बहुत बड़े नेता थे, उनके किसान के दिल में आज भी उनके लिए सम्मान इज्जत है, उनकी बोई हुई इन्होंने फसल काटी, उनका बोया हुआ उन्होंने खाया, लेकिन आज की डेट में उसने वो सारा का सारा नमक बिल्कुल हराम कर दिया है। दुष्यंत चौटाला को पहले दिन में इसके ऊपर इस्तीफा देने देना चाहिए था। जब ये सरकार ऐसे कानून लेकर आई थी तभी उसको दबाव बना के या तो कानून वापस कराता नहीं तो अपना इस्तीफा देता। लानत है सर ऐसी राजनीति पे, लानत है ऐसी कुर्सी पे, वो भी उप मुख्यमंत्री की। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर दोबारा गाजीपुर बॉर्डर से हूँ और यहाँ पे किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से 28 जनवरी का जो वाकया हुआ था और जिस तरह से इस किसान आंदोलन की आवाज़ को दबाने की कोशिश सरकार पूरी तरह से आमादा हो गई थी, और जो एक झंडे का इशू बना के और गोदी मीडिया किसानों को बदनाम करके इनके आंदोलन को कुचलने में पूरी तरह से सरकार का साथ दे रही थी, लेकिन वही गोदी मीडिया किसान के आंदोलन को कम से कम 15-20 दिन से कोई कवरेज नहीं दे रही थी, लेकिन एक छोटा सा इशू हुआ तो किसान को बदनाम करने के लिए कोई कसर भी वो छोड़ नहीं रही थी। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं टिकरी बॉर्डर से आया हूँ फिलहाल, तो कल आया था। मेरा नाम अमन है, गांव है मेरा नथौर, जिला सिरसा, हरियाणा से हूँ। आप एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से 28 जनवरी की जो घटना है, खास करके गोदी मीडिया जिस तरह से शुरू से रोल निभाती रही है इस सरकार के हर प्लानिंग में उनका साथ देने के लिए, जो जनता की आवाज़ नहीं दिखाती है, लेकिन किसी भी तरह से किसान वो आंदोलन तो अपना बचा गए, लेकिन ये गोदी मीडिया एक्सपोज हो चुकी है। सर एक्सपोज का सबसे बड़ा मैं बताना चाहूँगा कि जब 26 को बहुत सारे किसान अपने उससे आए, गांवों से, अलग अलग गांवों से परेड में शामिल होने के लिए आए, जो तादाद थी किसानों की वो कम से कम 5-6 गुना बढ़ चुकी थी। उन लोगों को वापस जाना ही जाना था, क्योंकि जो किसान यहाँ पर रुके हुए हैं उनकी खेती भी वो लोग संभाल रहे हैं। तो जब वो लोग वापस गए तो उनको अपने कैमरों से शूट किया, उन्होंने कैमरों से शूट किया और ये चलाना शुरू कर दिया कि किसानों का जो आंदोलन है ख़त्म हो रहा है और किसान जाना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह का भोंडा प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। इससे एक क्या चीज होती है, एक तो वो इससे एक गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं कि आंदोलन कमजोर हो चुका है। जो आम आदमी किसान से जुड़ा हुआ नहीं है वो ये सोचता है कि ये आंदोलन था ही ऐसा कि जिसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये कमज़ोर हो गया और ये जा रहे हैं वापस। उन्होंने यहाँ तक कि सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। एक शर्म की बात है, एक मीडिया जिसको न्यूट्रल होना चाहिए वो तालियां बजा रहा था एज इफ के उनके पिताजी कोई मैच जीत गए हों, ठीक है, वो इस तरीके से तालियां मारने लग गए। 26 जनवरी पे जो हुआ उसको किस तरीके से चलाया, सर मैं टिकरी बॉर्डर से आपको बता सकता हूँ। 20 किलोमीटर लंबा पक्का मोर्चा है टिकरी बॉर्डर पर, लाखों किसान परेड में शामिल हुए थे, लाखों किसानों ने वहाँ से अपनी परेड सही रूट पर पूरी भी की। कुछ जो के रूट भूल गए थे, जो ट्रैक्टरों के पीछे हो गए वो सीधे चले गए थे, लेकिन वो किसानों में उन्होंने कोई उत्पाद नहीं मचाया दिल्ली में, ठीक है। जो किसानों ने परेड पूरी करी, जिन्होंने तिरंगे लगाए, उनको ये सिला दिया इस मीडिया ने। उन्होंने उसको यूं कहा कि किसानों ने ये, इस तरीके से उन्होंने ग्राफिक चलाए कि किसानों ने किया तिरंगे का अपमान। तो मैं देश के लोगों को कहना चाहूँगा कि किसानों ने तिरंगे का अपमान बिल्कुल भी नहीं किया है। आप हमारे तिरंगे का जितना सम्मान इस किसान ने किया है, इस 26 जनवरी पर आपको जितने तिरंगे दिखाई दिए, आप पिछले 70-72 सालों के सारे तिरंगे का हिसाब जोड़ लोगे तो भी वो कम पड़ेंगे। तो किसानों ने तिरंगे का सम्मान किया था, ना कि तिरंगे का कोई उन्होंने अपमान किया था, लेकिन मीडिया ने इस तरीके से चलाया और सिर्फ यही खबरें दिखाई। यहाँ पे 2-3 दिन पहले बीजेपी के गुंडे आ गए, उनको मीडिया, उनके साथ साथ गोदी मीडिया भी आ गई रात को, क्योंकि उनको पता था कि इनके साथ जाना है, हमें यूं दिखाना है कि दो पत्थर इधर से पड़े, दो लट्ठी इधर से पड़े, उसके बाद पुलिस एक्शन को जस्टिफाई कर सकती है सरकार यूं कर सकती है कि भाई अब तो आंदोलन को खड़ा करने का टाइम आ गया है। पब्लिक ओपिनियन को एक दिन में, पब्लिक ओपिनियन को कैसे पलटा जा सकता है और खिलाफ किया जा सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये 26 जनवरी वाला एपिसोड है जो मीडिया ने चलाया।
अगर अगर ये मीडिया अगर किसान आंदोलन को अगर दो महीने से अगर सही तरीके से दिखा रहा होता और सवाल अगर सरकार से पूछता, इस प्रधानमंत्री से पूछता, इस गृह मंत्री से पूछता, तो ये आंदोलन आज तक चलने की नौबत नहीं आती। सर ये 6 साल लंबा प्रोजेक्ट है, 6 साल से ये मीडिया को पूरी तरह खरीद रहे हैं। आज की डेट में एक आध चैनल को छोड़ के सारी चीज़ को ये खरीद चुके हैं। जब ये खरीद ही चुके हैं तो किसान क्या और स्टूडेंट क्या, बेरोजगार क्या, शिक्षा का अभाव क्या, किसी भी मुद्दे पर ये लोग कभी जाते ही नहीं। ये सिर्फ अपने एसी स्टूडियो में बैठते हैं, दो इनके मंत्री बुलाते हैं, दो उनके मंत्री बुलाते हैं, उनकी बहसबाजी कराते हैं। जब इनको कोई काम नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान करते हैं। सर हम असम क्या हमारे देश में नहीं है, नागालैंड हमारे देश में नहीं है। आप भाई साहब मेरे को बता दो, कभी नागालैंड असम की किसी ने खबर सुनी है कि वहाँ पे कोई बस गिर गई, कोई कुछ हो गया, किसी के कोई अच्छा काम हो गया? कभी कोई खबर नहीं आती। सिर्फ प्रधानमंत्री जो कि उद्घाटन मंत्री भी है, जब वो कहीं फीता काटने जाता है तो मीडिया वहाँ पर पहुँच जाती है। कितनी शर्मनाक मीडिया है आज की इस देश में। जिस मैंने भी सर 10-12 साल पहले मैंने मीडिया की पढ़ाई की थी, लेकिन मैंने इस प्रोफेशन को नहीं चुना। लेकिन आज मेरे को शर्म आती है ये बताते हुए कि मैंने कभी इस तरीके का वो किया। लेकिन आप लोगों का जो सोशल मीडिया है वो इस आंदोलन की धड़कन है, सोशल मीडिया आंदोलन की धड़कन है, इसको चलता रहना जरूरी है। मैं हर किसी से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। खुद आपके हाथ में एक हथियार है ये मोबाइल, आप अपना वीडियो बनाइए, शेयर कीजिए, अच्छे हैशटैग लगा के, और दिल्ली के लोगों को जो लोग फार्मर नहीं है उनको अपने साथ मिलाइए। मेरा एक सवाल है कि अभी आपने हम मीडिया की बात कर रहे हैं, अर्णब गोस्वामी ने $12,000 प्लस 40 लाख रुपए अभी पार्थो दास गुप्ता को उसने ब्राइब दिया, उसने रिटर्न स्टेटमेंट में अपना कबूल किया कि पैसे मिले मुझसे। वो अर्णब गोस्वामी पूछता है, भारत पूछता है, चिल्ला रहा है, लेकिन आज पूरा भारत पूछ रहा है कि ये घूसकांड क्या है, जिसमें सरकार भी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है और वो भी मजे में है। सर अर्णब गोस्वामी है कहाँ अभी? पिछले कुछ दिनों से भागा क्यों फिर रहा है? अर्णब गोस्वामी को सभी को कहना चाहूँगा कि गूगल पे जाइए, सर्च करिए अर्णब गोस्वामी चैट्स PDF, ठीक है? आपके पास 80 MB की एक फाइल आपको मिलेगी, आप फ्री टाइम में आप उसको पढ़ोगे तो आपको अपने देश के ऊपर जितना मान है ना वो कम हो जाएगा। क्यों? आपको पता लगेगा कि सरकार और इस मीडिया के बीच में क्या गुत्थम गुत्थी है। उसके अंदर ये पता लगता है कि PMO में वो कल जा रहा है, वो बताता है दूसरे दोस्त को, वो कहता है यार तू मेरी PMO में नौकरी लगवा दे, वो मतलब इस तरह के उनके घनिष्ठ वो संबंध है। TRP के लिए स्कैम है सर, मैं मान गया, पर उससे बड़ा मुद्दा जो इस चैट के अंदर आया था वो ये था कि उसको बालाकोट हमले की पहले से जानकारी थी। मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय और जो एयरफोर्स वाले हैं उनके अलावा किसी को पता ही नहीं, तो प्रधानमंत्री ने या किसी ने उस कार्यालय से उसको ये जानकारी दी, जिसको वो किसी भी अपने यार दोस्त के साथ शेयर कर रहा है। उसमें से कोई भी आदमी उठ के पाकिस्तान भी फ़ोन कर सकता था, अभी 2 दिन में तुम्हारे यहाँ हमला होने वाला है, तैयार हो जाओ। अगर वो हमले को रोक नहीं सकते तो कम से कम उनकी मीडिया और प्रोपेगेंडा को इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि उसी टाइम वो जो वर्ल्ड न्यूज़ है उसका ध्यान उसके ऊपर उस तरीके से ला सकें। तो ये एक देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी है। मतलब आज की डेट में सबसे बड़ा गद्दार है तो वो अर्णब गोस्वामी है, लेकिन वही ये लोग, मतलब ये कितनी सर कितनी बेकार बात है कि ऐसे लोग ये सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं देशभक्ति के। ये किसी को भी गद्दार कह देते हैं, किसान को खालिस्तानी कह देते हैं, स्टूडेंट को माओवादी कह देते हैं। ये है हमारे देश के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात। लेकिन ऐसे पत्रकार को जिस पे इतना बड़े बड़े आरोप लगे हैं उसको बचाने के लिए सरकार के तमाम मंत्री संतरी सब आ जाते हैं ट्विटर पे, मीडिया पे, उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। क्यों नहीं आएंगे सर उसके सपोर्ट में? इन्होंने इसने पूरे 4-5 साल चलाया क्या है? इसने सिर्फ जहाँ देखो इसका मुद्दा होता है पाकिस्तान, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर थू करोगे, पाकिस्तान के ऊपर लानत करोगे तो इससे पब्लिक खुश रहेगी और लगी रहेगी। जो असली मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी चीज़ का जो मुद्दा है वो दबा रह जाएगा। तो सरकार के काम ये जब इतना आता है तो सरकार इसको क्यों नहीं बचाएगी? और दूसरी बात, अगर ये पकड़ा जाता है, इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी होती है, इसको पूरी डिटेल में इसके और लोगों से भी तो होंगे सर। अगर अर्णब गोस्वामी के चैट्स मुंबई पुलिस को वो अपने दोस्त के साथ मिले हैं तो कई मंत्रियों के साथ भी तो होंगे। अगर ये खंगाल दिया जाएगा तो सारे नंगे हो जाएंगे ना, अपने कपड़े बचाने के लिए उसको ढक रहे हैं वो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरह से असंतोष की आवाज़ को पीछे कई आंदोलन हुए, आप किसी का भी नाम ले सकते हो, मैं शाहीनबाग का भी नाम ले सकता हूँ, जिसमें इन्होंने अपने गुंडे भेजे, वहाँ भी उत्पात बचाया, कोई कट्टा लेके पहुँचता है। किसान आंदोलन में भी इन्होंने वही फंडा अपनाया, गोदी मीडिया को अपने तरफ करके, पहले तो इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकी सब बोल लो, किसान उससे नहीं टूटे। उसके बाद इन्होंने अब अपने भीड़ तंत्र को इकट्ठा किया, 10-20-50 लोगों को किसान आंदोलन में भेज रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर भी पथराव कराया। ये कौन सा लोकतंत्र में हम जी रहे हैं सर? लोकतंत्र तो
कहीं का ही खत्म हो चुका है। जब से ये सरकार आई है तब का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज हम एक शद्म लोकतंत्र में रह रहे हैं। ये सब जो कुछ भी है एक ढकोसला है, हमारा कोई लोकतंत्र है ही नहीं। 26 जनवरी का आप देख लो, ये एपिसोड देख लो, और जो आप कह रहे हो शाहीन बाग का क्यों पथराव होते हैं और क्यों सिंघू बॉर्डर पर पथराव हुआ, क्यों यहाँ पर गुंडे आए, इसका कारण सिर्फ एक है। ये पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि गाँव का ठाकुर होता था, वो किसी को भी दाबने के लिए अपने लठैत भेज देता था, उसको कुटवा देता था, कभी पुलिस में शिकायत करवा के जेल करवा देता था। तो इनका स्टाइल ये है सर, इनकी साइकी ये है। इनका बैकग्राउंड उठा के देख लो, मोदी का, अमित शाह, कितने पढ़े लिखे हैं, इन्होंने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, इन्होंने सिर्फ यही फिल्में, घटिया फिल्में देखी हैं, और यही इनके पास आइडिया है। इनके पास नए आइडिया है ही नहीं, इनके पास आइडिया के यार ऐसा करो, अरे इधर करवाने का ताना भाई, चलो ऐसा करो, तुम उसको भेजो, उसको फलाने को फ़ोन करो, वो उधर दो पत्थर मारेगा, अपन पुलिस को बोलेंगे कि देखो उधर से पत्थर चला है तो तुम पुलिस बल का प्रयोग करो, वो पुलिस बल का प्रयोग करेंगे, पूरा टेंशन दिखाएंगे, लोग अपने आप भाग जाएंगे। ये तरीका है सर इनका आंदोलन से निपटने का। बिकॉज सिंस यू आर एजुकेटेड पर्सन, टेल मी वन थिंग, कि कहाँ देख रहे हो आज के डेट में भारत को, आप कहाँ देख रहे हो जिस तरह की ये सब चीज़ें चल पड़ी है, हमारे देश के लिए कितनी शर्म की बात हो रही है। सर इंडिया इज इन ए डेंजरस पोजिशन एंड सिंस 6 ईयर्स इंडिया इज इन ए डेंजरस पोजिशन, पीपल आर ओब्लिवियस, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। लोग तो आपको भी अभी बोलेंगे कि चश्मा है, जैकेट है, बड़े ये तो किसान है ही नहीं, अभी भी लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन खैर मैं उस पर नहीं आता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब भी चुनाव होता है, जो दो पार्टियाँ मैदान में होती है, तीन पार्टियाँ मैदान में होती है, एक दूसरे को गाली देके जनता का इमोशनल वो टटोलती रहती है, उसे वोट लेती है। दुष्यंत चौटाला का उदाहरण आपके सामने है, जो बीजेपी को कोस कोस के चुनाव जीतते हैं उनकी पार्टी, और जाके फिर बीजेपी के गोद में बैठ जाते हैं। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर सवाल ये है कि जिस किसान के लिए वो लोग जाने जाते थे, आज जब किसान 2 महीने से रोड पे बैठा हुआ है, उससे ज़्यादा से, क्या उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था? सर इस्तीफ़ा देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था। इस्तीफ़ा देने का जो वक्त था वो निकल चुका। किसान ने, जो हरियाणा का किसान है, इन्होंने इसकी असलियत देख ली। जब किसान आंदोलन पूरे चरम पे था, जब सारा किसान निकल रहा था, तब ये डबवाली में अपने जहाँ इनका घर है वहाँ पे इनके शादी थी, ठीक है, वहाँ चौटाला साहब को रोका गया। आपने देखा होगा, कोई एक वीडियो आया था छोटा सा, उनको रोका गया, किसानों ने कहा हमारे साथ चाय पी लो, कि आप आंदोलन में साथ नहीं दे सकते, हमारे साथ चाय पी लो। वो टाटा बाय बाय करके चले गए, वो टाटा बाय बाय कर चुके, पब्लिक को कब का कर चुके, वो सिर्फ हरी पगड़ियां लगाते हैं और दिखाते हैं कि हम किसानों की तहसी हैं। चौधरी देवीलाल बहुत बड़े नेता थे, उनके किसान के दिल में आज भी उनके लिए सम्मान इज्जत है, उनकी बोई हुई है, उन्होंने फसल काटी, उनका बोया हुआ उन्होंने खाया, लेकिन आज की डेट में उसने वो सारा का सारा नमक बिल्कुल हराम कर दिया है। दुष्यंत चौटाला को पहले दिन में इसके ऊपर इस्तीफा देने देना चाहिए था। जब ये सरकार ऐसे कानून लेकर आई थी तभी उसको दबाव बना के या तो कानून वापस कराता, नहीं तो अपना इस्तीफा देता। लानत है सर ऐसी राजनीति पे, लानत है ऐसी कुर्सी पे, वो भी उप मुख्यमंत्री की।